अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहिन सुल्ताना। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ हैदराबाद के फेमस बकरीद स्पेशल। जो अब बकरीद हो चुकी है, जो हमारे घर पर ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त रहता है हर घर में, तो हम इस तरह से इसे बनाकर स्टोर करते हैं। ये है सन ड्राई कबाब, यानी सन ड्राई कबाब। अभी तो सन आ नहीं रहा है क्योंकि बारिश है, तो मैं इसे एक हवा में यानी फ़ैन के नीचे इसे सुखाकर आपको बता रही हूँ। और इसके इंग्रेडिएंट्स भी आप जान लीजिए, सो इजी है और खाने में एकदम यमी है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। तो चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कुर्बानी का गोश्त था, मैं इसे अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। देखिए, इस तरह के पीसेस आपको लेना है, एकदम से साफ नीट। और इसे हम देखिए इस तरह से कटिंग इसकी करना है। मैं पाव दरांती स्टील की ली हूँ, आप चाहे तो आपके पास लोहा है या कोई दूसरी भी है, या आप खसाब से भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। तो इस तरह से आप बनाकर स्टोर करेंगे तो एक साल तक आपके पास ये गोश्त रहेगा, ख़राब भी नहीं होगा। हम बारिश में स्नैक्स के तौर पे हैदराबाद में ये खाते हैं, बेहद अच्छा लगता है। हम गरम गरम चाय के साथ ये कबाब खाते हैं, इसमें कम तेल में ये फ्राई होता है, एकदम क्रिस्पी होता है। तो आप ज़रूर गाइस इसे ट्राई कीजिए, आप इसे मिस मत कीजिए। एक बार आप इस तरह से बनाकर खाएंगे तो हर साल आप इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो हम ये बचपन से खाते हुए आ रहे हैं और हमारे हर घर में, यानी हैदराबाद में, चाहे वो रिच पीपल हो चाहे वो पुअर पीपल हो, ये हर घर में बनता है, ये सबका अजीज़ है हैदराबाद में ये कबाब। सूखे कबाब आप ज़रूर बनाइए। तो मैं इसे आपको किस तरह से सुखाना है वो भी बता रही हूँ। बारिश है तो इसे हम मिस नहीं करेंगे, हम बनाएंगे कैसा भी तो वो आपको हम बताएंगे आगे। तो देखिए, मैं एक छोटा सा पीस लेकर इसको कितना लंबा कर रही हूँ। तो इस तरह की ये ट्रिक है, आपको ये टिप दे रही हूँ मैं बताकर, आप ज़रूर देखिए, आपके पैसे भी बच जाएंगे बुचर से, यानी खसाब के पास जो कटवाएंगे उसके पैसे भी बच जाएंगे। आप घर में ही इस तरह से बना लीजिए। अगर आपको इस तरह से बड़ा बड़ा पीसेस बनाने नहीं आता है कटिंग में, तो एक से दो बार करने से आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो आप छोटा छोटा पीसेस भी करके डाल सकते हैं। तो देखिए मैं कितना लंबा इसका लेंथ बनाकर कबाब का आपको बता रही हूँ। मैं सारे इसी तरह से डालती हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए। देखिए, पतले भी हैं और इतना इसकी लेंथ भी इतनी बड़ी है। देखिए, छोटे भी बना सकते हैं आप, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं सारे कबाब इस तरह से मैं बनाऊंगी। आपके पास जितना गोश्त आता है उस तरह से बना लिए, स्टोर करके रखेंगे तो ये बच्चों को भी बेहद पसंद आता है। हम दाल कड़ी, दाल चा जो भी होता है, इसके साथ हम ये लंच में भी लेते हैं। आप चाहे खिचड़ी खट्टा, उसके साथ भी आप ये कबाब फ्राई करके ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे कटिंग कर लिया। इसे मैं अच्छे से वॉश करके आधा घंटा मैं इसे छन्नी में रख दूँगी। तो देखिए, मैं इसे धोकर छन्नी में रख दी हूँ आधा घंटा, इसका पानी पूरा ड्रेन हो चुका है। अब इसके हम कबाब बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे, देखिए कबाब तो बन चुके हैं, अब इसमें इंग्रेडिएंट्स डालना है। तो एक बड़ा बर्तन ले लीजिए इसके लिए। तो देखिए, मैं बड़ा बर्तन स्टील का ले रही हूँ, आपके पास अगर कौन सा भी बड़ा बर्तन है आप ले सकते हैं। तो चलिए, हम इसमें ये ट्रांसफ़र करते हैं, छन्नी से इसमें निकाल देंगे। तो देखिए, मैं आपको क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ, आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने भी बना सकते हैं, क्योंकि आपके घर में कितना गोश्त है मैं नहीं जानती हूँ। तो चलिए, अब मैं देखिए इस गोश्त में फिर भी मैं क्वांटिटी बता दूँगी, अगर आपको तसल्ली होना है तो इसकी क्वांटिटी बता देती हूँ। ये 1.5 किलो गोश्त के मैं बना रही हूँ। इसमें मैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन, 1 टी स्पून हल्दी पाउडर, और ये मिर्च आप आपके हिसाब से तेज़ या कम खाते हैं, तेज़ अच्छा लगता है कबाब में, बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तेज़ बना रही हूँ। तो देखिए, 4 टेबल स्पून मैं मिर्च डाल रही हूँ इसमें, और ये है धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, और ये है एक टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, बारीक पाउडर। आप गरम मसाला कौन सा भी ले सकते हैं, चाहे घर में बनाइए या चाहे बाज़ार से ला लीजिए। ये नमक आपके स्वाद अनुसार लीजिए, मैं भी अपने स्वाद अनुसार ले रही हूँ, यानी मैं 4 टेबल इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि स्टोर करके रखना है। तो नमक और मिर्च ज़्यादा रखिए, इसमें कीड़ा नहीं पड़ेगा। अगर आपके यहाँ धूप है तो आप धूप में अच्छे से सुखा सकते हैं।
अब इसमें तेल डाल रही हूँ, तेल इसलिए डाल रही हूँ, ये भी आपको टिप देती हूँ, तेल इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसमें चूंटी ना लगे, जो चीटी होती है वो चीटी भी नहीं आएगी और कोई मक्खी वगैरह कोई कीड़ा इस पर नहीं बैठेगा। आप आराम से धूप में भी सुखा सकते हैं ये, आप फ़ैन के नीचे भी सुखा सकते हैं। अगर फ़ैन के नीचे सुखाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर आपके यहाँ धूप है तो आप धूप में इसे 3 से 4 दिन में सूख जाएगा ये अच्छे से। तो देखिए अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इस तरह से दो हाथ से आप अच्छे से मिक्स कीजिए, देखिए इस तरह से। ये मेरे मैके से कुर्बानी का गोश्त आया था तो मैं क्यों ज़ाया करूँ, 1 साल के लिए स्टोर हो जाता है, जब जब हमारा मन करा ये स्नैक्स खा लीजिए या खिला दीजिए कोई मेहमान को भी चाय के साथ, बहुत अच्छा लगता है। या आप कौन सी भी लिक्विड चीज़ के साथ, आप दोपहर में हो या कभी आपके गोश्त नहीं मिला तो आप इस तरह से फ्राई करके आप खा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से अच्छे से मिलाना है ताकि हर एक कबाब में आपका जो इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से अब्सॉर्ब करें, अब्सॉर्ब हो जाएं, कोई भी छूटे ना कहीं से भी। तो देखिए ये पूरा कंप्लीट मुकम्मल हो चुका है। अब चलिए हम इसे एक रस्सी पे डालेंगे, जो कपड़े सुखाते हैं हम प्लास्टिक की रस्सी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, अंदर ही डाल रही हूँ, देखिए इस तरह से। ये मेरा हॉल है, मैं हॉल में ही डाल रही हूँ क्योंकि हॉल में ज़्यादा फैन हमेशा खुला रहता है, बेडरूम में हम सो नहीं सकते हैं इसकी स्मेल से। तो देखिए इस तरह से आपको एक एक करके पूरा लटका देना है गोश्त को। देखिए सारे कबाब हम इस पर इस तरह से डालेंगे ताकि हमें चलते फिरते भी ना लगे और हमारे कबाब भी अच्छे सूख जाएं फ़ैन के नीचे। तो फ़ैन अच्छा आप फुल पे रख लीजिए क्योंकि मेरे यहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है तो मैं इसीलिए मैं फ़ैन के नीचे सुखा रही हूँ। तो देखिए एक एक करके मैं इस तरह से सारे डाल रही हूँ, देखिए अब ये मैं इसे 1 से 2 दिन सुखाऊंगी इसके ऊपर, बस 1 से 2 दिन इस पर डालूंगी क्योंकि मेहमान भी आते जाते हैं घर में और ये सूख भी जाते हैं जल्दी से। और ज़्यादा सुखाऊंगी मैं आपको वो भी बताती हूँ आगे मैं क्यों 2 दिन में इसे निकाल रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने सारे कबाब बना चुकी हूँ। तो चलिए हम छोड़ देते हैं, अब देखिए मैं ये सारे 2 दिन में निकाल दी हूँ, यानी 24 से 30 घंटे में मैं इसे तार से उतार ली हूँ, यानी रस्सी से। देखिए इतने ये हवा खा चुके हैं अच्छे से। अब इसका जो अभी मैं ज़्यादा सुखाऊंगी तो ये इसका कटिंग में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सूखने के बाद निकाल कर इसकी कटिंग कर लूँगी ताकि हमारी कटिंग आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए इस तरह से मैं अब इसको आपके हिसाब से आप साइज़ जितना मेज़ूर चाहती हैं, आप बड़ा चाहते हैं कबाब तो आप बड़ा कीजिए, शॉर्ट चाहते हैं तो शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट आपके हिसाब से आप कर लीजिए। मैं मीडियम साइज़ में कट कर रही हूँ इस तरह से क्योंकि खाने में भी और फ्राई में भी अच्छा मज़ा आना है, क्योंकि फ्राई में इसलिए मैं मीडियम साइज़ काट रही हूँ ताकि ये जले ना, हम जब भी इसे फ्राई करें वो तलने में ये जले ना। तो कबाब अच्छे से फ्राई होना है तो आप देखिए इस तरह से मीडियम साइज़ में कट कर लीजिए। मैं एक हाथ से आपको बता रही हूँ, एक हाथ में मेरा कैमरा है तो इसके लिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए अब मैं कैमरा साइड में रखकर इसे दो हाथ से काट कर बता रही हूँ, इतना जल्दी ये कट जाते हैं। अगर आप पूरी तरीके से आप अगर सुखाएंगे, सुखा कर आप काटिंग करेंगे तो उसको आपको सत्तूर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी बुच्चर के पास जाना पड़ेगा। तो क्यों हम जाएं, इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारे पैसों की बचत 2 बार हो जाती है, एक बार कटिंग में हो, एक बार सूखने के बाद हो। अगर आप सूखने के बाद पूरा सुखाने के बाद कटिंग करेंगे तो आपके हाथ कट सकते हैं, प्रॉब्लम होती है, चुभता है हाथ को, तो उतना भी मत सुखाइए। देखिए बस 2 दिन हम इसे हवा में डाले हैं और इसकी कटिंग हम शुरू कर दिए हैं। अब इसकी कटिंग होने के बाद आप चाहे तो इसे खुले में फ़ैन में रखिए या चाहे तो अगर धूप आती हैं तो आप धूप में भी इसे कोई कपड़े के ऊपर बिछा कर भी सुखा सकते हैं।
तो देखिए मैंने सारे कबाब कट कर लिया है इस तरह से, और इसे मैं फ़ैन के नीचे रख दी इस तरह से, क्योंकि मैंने बड़ा बर्तन लिया है तो इसमें इजीली ये हवा खाया जाएगा। देखिए ये अच्छे से सूख रहा है। अब मैं इसमें से कुछ सूखे पीसेस निकाल कर आपको फ्राई कर कर भी बताऊंगी। ये देखिए ये सूख गया है। मैं और इसे एक दिन इस तरह से मैं सुखाऊंगी पूरा फ़ैन के नीचे, और नेक्स्ट डे मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये और अच्छे से सूख चुके हैं, तो और इसमें सूखे पीसेस मैं निकाल कर, इसे 2 से 4 दिन लगेंगे मुझे पूरा सुखाने में। अब इसमें जो जो पीसेस मैं अच्छे से सुखा चुकी हूँ हवा के नीचे, उसे मैं आपको फ्राई कर कर बताती हूँ। तो चलिए हम इसे फ्राई करते हैं। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाली हूँ, बस 25 ग्राम। आपको ज़्यादा तेल नहीं लगेगा, इसमें कम तेल लगता है। तो देखिए अब मैं इसमें 4-4, 5-5 करके इसके पीसेस को फ्राई कर लूँगी। देखिए अच्छे से ये फ्राई हो रहा है, इसके मसाले भी अच्छे से इसमें कायम है, इतना अच्छा ऑब्जर्व हो चुका है इसके अंदर सारे मसाले इंग्रेडिएंट्स। कम इंग्रेडिएंट्स, कम समय में स्टोर करने वाली चीज़ है, तो आप ज़रूर बनाएंगे, ये बहुत काम आता है। आप ज़रूर इसे चाहे तो आप रमज़ान में खा सकते हैं, रोज़ों में या खाली समय में खा सकते हैं, स्नैक्स बनाकर खा सकते हैं, कोई मेहमान को भी दे सकते हैं आप चाय के साथ, तो बेहद टेस्टी लजीज होते हैं। आप ज़रूर इस तरह से बनाइए। तो देखिए मैं इतना अच्छा इसे फ्राई कर रही हूँ, एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं ये फ्राई होने के बाद। आपको सुखाना अच्छा है, जब अच्छे सूखेंगे तो आप स्टोर भी अच्छा कर सकते हैं। ये अभी हमारे 2-3 साल से बारिश में हमारी बकरीद आ रही हैं, इसलिए हम फैन के नीचे सुखाना पड़ रहा है, वरना मैं सन ड्राई करती हूँ हमेशा। मैं सनराइज़ में इसे एकदम ड्राई करती हूँ, डालती हूँ, तो वो बहुत अच्छे बनते हैं। ये भी बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन धूप तो धूप ही होती है, धूप की बात ही अलग होती है। चलिए अब इसे अच्छे से हम फ्राई कर लिए हैं, एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं, इतनी सौंधी खुशबू आ रही है इसकी पूछिए मत, सारे घर में क्या सारे मोहल्ले में घूमती हैं इसकी खुशबू आप जब इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए मैं इतने ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे स्टोर करके रखना है। तो देखिए गाइस ये क्रिस्पी और कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। चाहे तो आप इस पे चाट पाउडर डालिए या कोई हरा मसाला डालकर भी इसे खा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम हैदराबाद में इसे स्नैक्स के तौर पे खाते हैं। और जब भी हम दाल चावल बनाते हैं या कढ़ी चावल बनाते हैं या दाल चावल बनाते हैं, कोई भी लिक्विड चीज़ बनाते हैं, जब उसमें गोश्त ख़त्म होता है तो हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।